हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जिस दिन है शनिवार का तारीख है 21 मई, और अभी सुबह के 5:30 हो गए हैं। काम तो मेरा 4 बजे वही उठ गई थी, मैं शुरू हो गया था, लेकिन व्लॉग आज मैं जो है अभी 5:30 बजे से शुरू कर रही हूँ। एक प्रोडक्टिव जो मॉर्निंग जेन्युइन मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वरुण को मैं रेडी करके आ चुकी हूँ, वरुण रेडी हो गया है। और कल रात को हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी आई थी, बारिश आई थी ना के बराबर, लेकिन आंधी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ आई थी। उसकी वजह से सबसे पहले मैंने वॉशिंग एरिया ना वहाँ पर पानी डाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो हो गई थी। अभी क्या फर्स्ट लोड जो मैं रेडी करके लगा कर चली जाऊँगी, वाइट कपड़े, एक वरुण की स्कूल की ड्रेस, और जो लाइट शर्ट वगैरह, जो बच्चों की लाइट कलर की जो शर्ट है ना जिनका रंग नहीं जाता, वो सारी चीज़ें इसमें मैं डाल दूंगी और लगा के नीचे चली जाऊंगी। क्योंकि वरुण रेडी हो गया, बस वो वेट कर रहा है कि मैं जाने के बाद उसके लिए कुछ खाने पीने का बनाऊं। और वरुण के लिए जो है सब्ज़ी मैं ठंडी कर आई थी, जो मैंने सुबह सब्ज़ी बनाई थी, लंच अभी मैंने पैक नहीं किया है, अभी जाऊंगी लंच पैक करूंगी। और वरुण के लिए रूह अफ़ज़ा बनाऊंगी। रूह अफ़ज़ा तो मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं दूध ही है जो मैं वरुण को पिलाने वाली हूँ। रूह अफ़ज़ा के थ्रू पी लेता है, मैंगो शेक, बनाना शेक के थ्रू जो है वो पी लेता है। अच्छा है, बच्चों का ये है दूध दही खिलाने का एक अलग अलग तरीके जो है वो पेरेंट्स को ढूंढने पड़ते हैं। तो अभी जो है लंच मैंने साथ साथ में मैं पैक कर रही हूँ, और वरुण को मैंने बोला कि छोटे मोटे काम जो है मैं वरुण को सिखाती रहती हूँ। जैसे अभी चम्मच इसमें हिलाने के लिए बोला है, क्योंकि इसमें चीनी है वो हिलाएगा, तब तक मैं इसका लंच डाल दूंगी, साथ साथ में पानी की बॉटल वगैरह भर के मैं रख दूंगी। और वरुण जो है डालकर आएगा अपने बैग में लंच, तब तक मैं इसको रेडी कर देती हूँ। बस अभी इसमें रूह अफ़ज़ा डालूंगी और बहुत सारा डालूंगी दूध। पानी तो मैंने ना के बराबर ही इसमें जो है वो ऐड किया है, क्योंकि वही होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पानी में पीते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूध में थोड़ा बहुत दूध, लेकिन हम बिल्कुल सारा ही दूध में पीते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को ना दूध बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने बचपन से ही इन लोगों को आदत, दोनों बच्चों को आदत डाली है दूध पीने की, दूध और दही दोनों की। वरुण शुरू में दही नहीं खाता था, लेकिन अब हिमांक की तरह ये भी दही खाने लग गया है। अब इसको मैं छोड़कर वापस आ गई हूँ, अब बारी आती है हिमांक। अभी तक जो है वो सो ही रहा था, आज हिमांक की छुट्टी है, हिमांक नहीं गया स्कूल। तो मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास आज मौका है कि मैंने मशीन लगाई है, साथ साथ में हिमांक सो रहा है तो वो अपनी नींद पूरी करेगा, तब तक मैं छोटे मोटे काम जितने अलमारी वगैरह सेट करना, क्योंकि मेरी जो अलमारी है काफ़ी दिन से सेट नहीं हुई थी, ऐसे ही प्रेस के कपड़े। मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे डेली वेयर सूट होते हैं या टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, उन सबको मैं अलग अलग रखती हूँ। जो डेली वेयर के सूट होते हैं वो एक लाइन में होते हैं, जो मैं घर पे भी पहन लेती हूँ और बाहर भी पहन लेती हूँ कभी कभी, तो वो एक लाइन में होते हैं। जो बिल्कुल बाहर आने जाने में पहनने वाले होते हैं वो मैं एक लाइन में रखती हूँ, ताकि किसी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। तो सारे सेपरेशन होने से मुझे भी काफ़ी आसानी हो जाती है, और बाहर जब कहीं आते जाते ना तो हमारे पास टाइम नहीं होता, क्योंकि बर्डन इतना सारा हो जाता है, बहुत सारा। सारे काम एक औरत को ही करने होते हैं, अपने आप को तैयार करो, बच्चों को तैयार करो, अच्छा साथ में बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं बच्चों को तैयार करो, उसके साथ एक एक जोड़ दो दो जोड़ी जो है कपड़े अलग से रखो, बच्चों की पजामियाँ अलग से रखो, कहीं बच्चा सुसू पोटी ना कर दे, पानी की बोतल भर के रखो, कुछ खाने का रखो, पता नहीं इतने सारे काम हो जाते हैं। तो उन कामों में कम से कम इतना आसान जो है हमारे लिए ये हो जाता है, अगर हमारे कपड़े अलग अलग होते हैं ना। अब ऐसे ही मैं बच्चों के भी अलग अलग करके रखती हूँ, आने जाने वाले बाहर ही रखती हूँ अलग एक साइड में, ताकि मेरा जो है वो टाइम काफ़ी सारा बच जाए, और उस टाइम पे ना ही कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ना ही कोई हड़बड़ाहट हो, और हड़बड़ाहट में ना गड़बड़ ज़रूर होती है। तो बस अभी जो है मैंने वो सेट करके मैं आ गई हूँ ऊपर वो कपड़े धोने के लिए, क्योंकि एक स्लॉट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया था। जाने से पहले मैं लगा कर गई थी, मैं आई तब तक एक चक्कर का मतलब हो गया था, 15 मिनट के मैं 2 स्लॉट लगाती हूँ, तो एक हो गया था, दूसरा अभी मैं जो है वो लगा रही हूँ। और इस मशीन में ना एक बार फिर से जो है वो गड़बड़ कुछ हो गया है, तो दूसरा स्लॉट भी मैंने जो है पूरा करके चला के मैं नीचे चली गई थी। फिर मैंने आराम से अपने लिए जूस वगैरह पिया है, और सॉरी वो बना कर गई थी रूह अफ़ज़ा, वो पिया है, और उसके बाद अलमारी सेट करी। और अब यहाँ पर मैं रात को ना, आजकल मेरे पैर काफ़ी टाइम से ना वो ख़राब हो गए हैं, मतलब एड़ियाँ फट गई हैं, तो रात को मैंने क्रीम लगाई थी, वो एड़िया जो फटने वाली क्रीम होती है ना, क्रैक हील क्रीम, वो लगाई थी। तो क्या होता है वो वाली क्रीम जब हम काम करते हैं ना, अगर उस पर पानी पड़ता है बहुत चिकनी चिकनी हो जाती है, चप्पलें भी चिकनी चिकनी हो जाती है, इससे क्या होता है कि पैर जो है फिसलने का डर जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है।
तो मैंने पैर बहुत अच्छे से वॉश कर लिए ताकि मेरा बार बार ऊपर नीचे आना जाना हो रहा है, कभी ऊपर जा रही हूँ मैं, कभी नीचे जा रही हूँ, जिसकी वजह से जो है मेरे पैर रिप्ट ना और कहीं चोट वोट लगने का डर जो है वो ना रही। तो बस अभी जो है वरुण हिमांग जो अभी तक सो ही रहा था और ये करीबन टाइम जो है 6:30 बजे के आसपास, 6:30 पौने 7 के बीच के आसपास का टाइम था ये, और इसी टाइम के बीच में 7 बजे तक आप ये मान के चलिए मैंने दोनों बाथरूम वगैरह क्लीन कर दिए थे और हिमांग उठा था 7:30 या 7:45 जो 7:30 जो हिमांग सोकर उठ गया था। तब तक ये था कि कम से कम दो स्लॉट या 2.5 स्लॉट जो है वो मेरे कपड़ों के हो जाएंगे और दोनों बाथरूम वगैरह मैं क्लीन कर दूंगी, फिर निचोड़ने का काम जो है वो मैं एक साथ करूंगी, एक साथ मेरे फिर दो दो काम हो जाएंगे, बाथरूम भी क्लीन हो जाएगा और काफ़ी सारे जो है 2-3 स्लॉट इकट्ठे हो जाएंगे तो कपड़े एक साथ जो है निचोड़ने में आसानी हो जाएगी और मेरा टाइम भी बचेगा, बार बार ऊपर नीचे जो है वो करना भी नहीं पड़ेगा। अगर बार बार ऊपर नीचे करते हैं ना, एक तो वीकनेस थकावट बहुत ज़्यादा है, एक तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रखी है, ऊपर से जो है फिर बार बार ऊपर नीचे गर्मी में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थकावट जब वो बनती है। एक बाथरूम हमारा क्लीन हो गया, थोड़ी बहुत टाइल्स वगैरह नीचे की मैं डेली बेसिस पे जब बाथरूम क्लीन करती हूँ ना तो साथ साथ में जो है वो मैं धुल देती हूँ, ये टाइल्स वगैरह भी अच्छे से धुल देती हूँ क्योंकि हल्की वाइट टाइल है, हल्की बहुत गंदगी जो है वो ज़रूर जो इसमें लग जाती है तो साथ साथ में क्लीन कर देना ठीक रहता है। तो क्या होता है कि अगर आप टाइम से क्लीन करते हो ना तो बाद में बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं जमती है, जब आप बाथरूम साफ़ करने बैठते हो ना फिर आप ये मान लो कई घंटे जो है एक बाथरूम है चाहे आपके दो बाथरूम में ही काफ़ी सारे घंटे जो आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे आप थोड़ा बहुत हर चीज़ में से हाथ निकालते रहते हो ना तो आपका टाइम काफ़ी सारा जो है वो सेव हो जाता है बस। और हम क्या कहते हैं, मैं पूरी न पूरी कोशिश जो करती हूँ कि कभी किसी न किसी चीज़ में मैं अपना टाइम जहाँ बचा सकूँ वहाँ मैं अपना टाइम बचा लूँ क्योंकि टाइम की कमी बहुत होती है, दो बच्चे होते हैं, डबल स्टोरी घर का काम भी होता है, ऊपर से वीडियोज़ का काम होता है, बच्चों को हिमांग को डेली डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, बच्चों का स्कूल होता है, लंच बनाना होता है, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई होती है, मतलब काम ढेरों होते हैं। एक आप ये कह सकते हैं कि एक काम ख़त्म हो जाए तो दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा ख़त्म हो जाए तो सामने तीसरा काम जो है वो तैयार रहता है, काम कभी भी जो है वो ख़त्म नहीं होते हैं। बस अभी सबसे पहले वाइट कपड़े जो है जिनमें नील नहीं देना है मैं वो वाले कपड़े जो है वो डालूंगी, उसके बाद जो है वो सूख जाएंगे, उनमें नील देने के बाद साथ साथ में दूसरा स्लॉट जो है वो मैंने रेडी कर दिया है। जब तक उसके स्लॉट के कपड़े धुलेंगे मैंने तब तक जो है इसकी सफाई कर दी थी और उसके बाद जो है यहाँ कपड़े आज मैं अंदर सुखा रही हूँ क्योंकि आंधी जो है कल जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी तेज़ आंधी आई थी, हल्की फुल्की बारिश भी आई थी और अभी भी आंधी काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो चल रही है। तो जितने भी छोटे मोटे कपड़े हैं वर्दियाँ वगैरह वो सारी चीज़ मैं अंदर सुखाऊंगी ताकि हवा में बार बार उड़े ना, और जिसे बार बार उड़ेंगे तो धूल मिट्टी, वैसे ही आज बहुत ज़्यादा है बाहर तो धोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, धूल मिट्टी सारी जो है इन पर जो चिपक जाएगी। बाहर सिर्फ मैं अपने सूट सुखाऊंगी, दो तौलिए सुखाऊंगी और दो बेडशीट भी धोनी है मेरे को, वो भी मैंने सुखाई, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं सुखाया। और अभी नहा धो के खाना वाना खा के मैं आ गई हूँ नीचे, और नीचे आके सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दिया है, अभी मैं कर रही हूँ ये गेट साफ। गेट तो आप ये मान के चलिए जब से गर्मियाँ शुरू हुई ना, ये आंधी तूफान चलना शुरू हुआ है, थोड़ी बहुत भी हवा चलती है ना गेट पे बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है, सामने आप देख पा रहे होंगे कितनी सारा रेत जो है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, तो मुझे डेली बेसिस पे साफ़ करना पड़ता है, एक आधा दिन उगता है, अदरवाइज़ मैं डेली जो है गेट पे कपड़ा ज़रूर लगाती हूँ। और बाथरूम वगैरह क्लीन किए थे, कपड़े धोए थे तो मैं सबसे पहले नहाने का काम ख़त्म किया और काम तो बाद में भी हो जाएंगे। बस अभी साथ साथ में स्विच वगैरह भी जो मैं जब क्लीन करने लगती हूँ तो सारी चीज़ों की ना एक डीप क्लीनिंग जो है वो करने लगती हूँ, चाहे इसमें स्विच बोर्ड हैं या कोई और भी है, दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, सारी चीज़ें मैं साथ साथ में करती हूँ। अभी जिन्ने का पोछा हो गया है, अंदर रूम का भी पोछा हो गया है, अभी इस पर बाहर कपड़ा थोड़ा सा लगाना बाकी है और इस एरिया के जो स्विच बचते हैं उन पर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कपड़ा लगाना जो है वो बाकी है। और मैं सबसे पहले बाहर का बाद में क्लीन करती हूँ, सबसे पहले रूम में पोछा लगाती हूँ और जीने में पोछा लगाती हूँ और उसके बाद जो है यहाँ का पोछा जो है वो लगता है, या अगर मेरे को धोना है तो वो मैं धोती हूँ बाद में। तो ये स्विच बोर्ड पे भी डेली मान के चलिए जिस दिन क्लीनिंग नीचे की होती है ना साथ साथ में इन स्विच बोर्ड्स की क्लीनिंग भी जो है वो हो जाती है। अभी मैंने पाइप लगा ली है क्योंकि धूल मिट्टी जो है ये साइड में टाइल्स वगैरह पर भी बहुत ज़्यादा हो गई थी तो मैं टाइल्स पे भी पानी लगा दूंगी, तो इससे क्या जितना भी डस्ट जो जमा है
वो साथ साथ में उतर जाएगा और मेरा काम भी जो आसान हो जाएगा। झाड़ू लगाने के बाद जो है काफ़ी सारी मिट्टी जो है वो बाहर निकल गई है। देखने को ये साफ लग रहा है लेकिन यहाँ पे किरकिर किरकिर बहुत ज़्यादा है। पता नहीं कैमरे भी इतना साफ कैसे दिख रहा है लेकिन यहाँ किरकिर बहुत ज़्यादा थी भाई, क्योंकि मिट्टी भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। आंधी तूफान बहुत ज़्यादा तेज आया कल यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा। तो बस ये वाला क्लीन करूँगी और फिर ये धोते धोते ना मेरे पजामा जो है वो गीला हो गया था, तो मैंने ऊपर आकर जो है पजामा चेंज किया और उसके बाद अब लग गई हूँ मैं। ये मैंने मलाई जमा कर रखी थी तो इस मलाई को मैं ना घी निकाल लूँगी मैं। इसमें सबसे पहले मैंने सुबह मैंने डाल दिया था थोड़ा पानी, ठंडा पानी डाल दिया था। अब थोड़ी सी बर्फ़ और थोड़ा सा ठंडा पानी और डाल दिया है ताकि घी जो है वो जल्दी आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में कम से कम आपको बहुत ज़्यादा एक मैं जितना कोशिश करती हूँ ना थोड़ी बहुत बर्फ़ और तो एक लीटर कम से कम ठंडा पानी ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है वो घी आ जाता है और मैं घी एक नेचुरल तरीके से निकालती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है वो घी निकालते हैं और साथ साथ में जो है उसको उबालते रहते हैं, खदकाते रहते हैं, वो नीचे का हिस्सा जल जाता है ऊपर घी रह जाता है। वो वाला सिस्टम मेरे को नहीं आता, ना ही मुझे पसंद है। मैं जैसे गाँव में देसी तरीके से घी निकालते हैं ना, एकदम ऐसे उबालते हैं फिर ऊपर उसको मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि घी घी ऊपर का जम जाए, फिर घी को निकाल लेती हूँ, उसको गर्म करती हूँ दोबारा फिर से और फिर उसको छलनी में से छान के फिर मैं रखती हूँ। ये वाले काम मैं करती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना दानेदार जो है वो घी निकला। ये देखिए घी को मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है सिम गैस पे और इतना दानेदार घी है जो वो निकला है। अगर आप निकालना चाहो ना, ये घर की मलाई का घी है और मैं घी बाहर से बहुत कम मंगवाती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने अभी मंगवाया था, वो वाला ख़त्म होगा तब तक घर पे कम से कम 5 से 6 किलो घी जो है वो अरेंज हो जाएगा और अब निकाल देंगे ऊपर ऊपर की फुई और ये ठंडा हो जाएगा जब उसको रख देंगे फ्रिज में। मैं आपको फुई उतारने के बाद घी आपको अलग से दिखाई देगा कि घी कैसा है। और ये फुई ना ख़राब होती है, अगर आपके पास घर पे भैंस वगैरह है तो उसके चारे में डाल सकते हो, नहीं तो फिर वही बात है फिर आपको सिंक में डालना पड़ेगा। चलिए व्लॉग का एंड कर लेते हैं अभी यहीं पे। ये देखिए घी निकलाया बहुत अच्छे से। व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। और ये मेरा मॉर्निंग रूटीन था सुबह 5:30 बजे से, जो एक जेन्युइन मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आ जाए और मेरे सारे व्लॉग्स जो है वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग्स। डेली 1 बजे मेरा व्लॉग जो है वो आता है। थैंक यू।